बहुत ज़्यादा साल नहीं हुए हैं जब भारतीय कलाकारों को हॉलीवुड वालों ने नोटिस करना शुरू किया है। ये बात अलग है कि कई भारतीय कलाकार हैं जो पुराने दौर से ही बॉलीवुड के साथ हॉलीवुड फिल्मों में भी नजर आ चुके हैं, लेकिन हॉलीवुड में उनकी प्रेजेंस इतनी ज़्यादा प्रभावी नहीं थी जितनी कि आज के ज़माने के भारतीय अभिनेताओं की है। अब तो आलम यह है कि हॉलीवुड अभिनेता भी भारतीय फिल्मों में इक्का दुक्का सीन्स के लिए नजर आ जाते हैं। बॉलीवुड के कई बड़े सितारे हॉलीवुड फिल्मों में नजर आ चुके हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि वो कौन सा भारतीय है जो सबसे पहले हॉलीवुड फिल्मों में नजर आया था? क्या आपको ये पता है कि वो कौन सा भारतीय था जो सबसे पहले हॉलीवुड वॉक ऑफ फेम में शामिल हुआ था? अगर नहीं जानते तो आज जान जाएंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम उसी भारतीय कलाकार की कहानी आपको बताएंगे जिसका नाम था साबू दस्तगीर और जिसे दुनिया एलिफेंट बॉय साबू दस्तगीर के नाम से जानती है। साबू दस्तगीर कर्नाटक के मैसूर के कारापुर इलाके के रहने वाले थे। इनका जन्म हुआ था 27 जनवरी 1924 को। साबू के पिता मैसूर के राजा के यहाँ महावत का काम किया करते थे। साबू की पैदाइश के वक्त इनकी माँ का देहांत हो गया था। साबू जब काफी छोटे थे तब इनके पिता भी इन्हें छोड़कर दुनिया से चले गए। काफी कम उम्र में ही साबू के सिर से माँ बाप का साया उठ गया और वो अनाथ हो गए। छोटी उम्र में ही उन्होंने राजा के हाथीघर में महावत का काम करना शुरू कर दिया। साबू जब उम्र के 13वें पड़ाव पर पहुंचे तो उनकी किस्मत ने वो हसीन मोड़ लिया जो शायद ही किसी ने उनके बारे में सोचा होगा। ये 1930 का दौर था। रॉबर्ट फ्लेहर्टी नाम के एक अमेरिकी डायरेक्टर उस दौर के मशहूर लेखक रुडयार्ड किपलिंग की एक कहानी पर फिल्म बना रहे थे। फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए वो एक ऐसे भारतीय बच्चे की तलाश में थे जिसे हाथियों के साथ काम करने का बढ़िया तजुर्बा हो। इसी सिलसिले में वो मैसूर आए हुए थे। रॉबर्ट मैसूर के राजा के हाथी घर घूमने गए। वहां उन्होंने एक बच्चे को देखा जो कि हाथियों के साथ खेल रहा था। रॉबर्ट बड़ी गौर से उस बच्चे को देख रहे थे। वो बच्चा भी रॉबर्ट को वहां देखकर काफी एक्साइटेड था और वो रॉबर्ट को हाथी के साथ अपने करतब दिखाने लगा। उस वक्त उस बच्चे को दूर दूर तक ये एहसास नहीं था कि वो एक फिल्म मेकर को अपना ऑडिशन दे रहा है। कहा जाता है कि रॉबर्ट फ्लेहर्टी की पत्नी फ्रांसिस फ्लेहर्टी को साबू बेहद पसंद आया। उन्होंने साबू को अपनी फिल्म एलिफेंट बॉय में लीड कैरेक्टर के लिए कास्ट करने का फैसला लिया। ये फिल्म रुडयार्ड किपलिंग की कहानी तुमई ऑफ द एलिफेंट से प्रेरित थी। उन्होंने पहले लड़के से उसका नाम पूछा। लड़के ने बताया साबू, साबू दस्तगीर। फिर मिसेज फ्लेहर्टी ने उस लड़के से पूछा, क्या तुम मेरे साथ लंदन चलोगे और फिल्मों में काम करोगे? लड़के ने उनका ऑफर स्वीकार कर लिया और इस तरह साबू दस्तगीर नाम का वो मात्र 13 साल का लड़का 1937 में रिलीज हुई फिल्म एलिफेंट बॉय का हीरो बन गया। फिल्म का ज्यादातर हिस्सा भारत के जंगलों में शूट हुआ और साबू ने इस फिल्म में जबरदस्त काम किया। एलिफेंट बॉय नाम की ये फिल्म हिट रही। साबू की परफॉर्मेंस को हर किसी ने पसंद किया। साबू ने अपने फिल्मी करियर में लगभग 23 फिल्मों में काम किया। रुडयार्ड किपलिंग के फेमस नॉवेल द जंगल बुक पर सबसे पहली फिल्म साल 1942 में बनी थी और इसमें साबू ने ही मोगली का किरदार निभाया था, यानी दुनिया का सबसे पहला मोगली साबू दस्तगीर था। साल 1938 में रिलीज हुई फिल्म द ड्रम में इन्होंने प्रिंस अजीम का किरदार निभाया था। उन दिनों भारत में इस फिल्म को लेकर काफी विवाद हुआ था और भारतीय दर्शकों ने इस फिल्म को ब्रिटिश प्रोपेगेंडा बताया था। कई लोगों ने साबू की भी आलोचना की थी। साल 1940 में रिलीज हुई फिल्म द थीफ ऑफ बगदाद में भी साबू का काम दर्शकों को बड़ा पसंद आया था। इस फिल्म के लिए साबू को एकेडमी अवार्ड से भी सम्मानित किया गया था। इस दौर में भारतीय दर्शक तो साबू को कम ही जानते थे, लेकिन पश्चिमी देशों के दर्शक साबू को बेहद पसंद करते थे। न केवल साबू के लुक्स बल्कि उनकी नेचुरल एक्टिंग और जानवरों के साथ उनकी दोस्ती भी दर्शकों को बड़ी पसंद आती थी। साबू के करियर की प्रमुख फिल्मों की बात करें तो ये नजर आए अरेबियन नाइट्स, कोबरा वुमेन, द एंड ऑफ द रिवर, सॉन्ग ऑफ इंडिया, द ट्रेजर ऑफ बगदाद, जगुआर, जंगल हेल, रैम्पेज
और अ टाइगर वॉक्स जैसी फिल्मों में। ये सभी फिल्में हॉलीवुड फिल्में थी। साबू ने कभी किसी हिंदी फिल्म में काम नहीं किया। यही वजह थी कि साबू को हिंदी फिल्मों के दर्शक जानते ही नहीं। मशहूर डायरेक्टर महबूब खान ने साबू को अपनी सुपरहिट फिल्म मदर इंडिया में उस रोल के लिए कास्ट करने की कोशिश की थी जिसे बाद में सुनील दत्त ने निभाया था। लेकिन साबू इस रोल को इसलिए नहीं निभा सके थे क्योंकि तब तक साबू अमेरिका के नागरिक बन चुके थे और उन्हें भारत में वर्क परमिट नहीं मिल पा रहा था। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान साबू ने अमेरिकन एयरफोर्स ज्वाइन कर ली थी। उन्होंने बतौर टेलगन और बोल्टरेट अमेरिकन एयरफोर्स में काम किया था। साबू ने B-24 बॉम्बर विमान में अपनी सेवाएं अमेरिकी एयरफोर्स को दी थी। इसके बाद तो साबू को अमेरिका में वॉर हीरो के तौर पर देखा जाने लगा था। साबू की लोकप्रियता अमेरिका में और भी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। अमेरिका ने भी साबू दस्तगीर की सेवाओं के लिए उन्हें विशिष्ट फ्लाइंग क्रॉस और कुछ दूसरे सैन्य पुरस्कारों से सम्मानित किया था। कम ही लोग इस बात से वाकिफ हैं कि अमेरिका में साबू की दोस्ती रोनाल्ड रीगन से हुई थी, जो कि खुद भी एक एक्टर थे और आगे चलकर अमेरिका के राष्ट्रपति बने थे। साबू ने एक अमेरिकी अभिनेत्री मार्लिन कूपर से शादी की थी। इनका बेटा पॉल साबू एक बैंड का लीड गिटारिस्ट था और ये बैंड खुद पॉल साबू ने ही एस्टेब्लिश किया था। पॉल ने इस बैंड का नाम अपने पिता साबू के नाम पर ही रखा था। साबू के बेटे पॉल साबू ने अपने बैंड से मैडोना के लिए भी म्यूजिक प्रोड्यूस किया है। साथ ही कुछ और पॉपुलर अमेरिकी टीवी सीरीज के लिए भी पॉल साबू ने म्यूजिक कंपोज किया है। साबू अमेरिका के लोगों के चहेते थे। अमेरिकन्स उन्हें बेहद प्यार करते थे। लेकिन 2 दिसंबर 1963 को अमेरिकियों के चहेते साबू को एक बेहद तेज दिल का दौरा पड़ा और साबू ने मात्र 39 साल की उम्र में ये दुनिया छोड़ दी। साबू की आखिरी फिल्म द टाइगर वॉक्स उनकी मौत के 3 महीने के बाद रिलीज हुई थी। इस फिल्म में साबू एक एनिमल ट्रेनर बने थे। साबू को अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर के मशहूर फॉरेस्ट लेन मेमोरियल पार्क में दफनाया गया था। इस पार्क में अमेरिकी एंटरटेनमेंट जगत की कई और हस्तियां भी दफन हैं, जैसे वॉल्ट डिज्नी और एलिजाबेथ टेलर। भारत में तो साबू को कभी पहचान मिली ही नहीं थी, लेकिन अमेरिका और इंग्लैंड में भी लोग अब उन्हें भूल चुके हैं। कहा जाता है कि साबू जब लंदन में रहते थे और उन्हें भारत की याद आती थी तो वो लंदन के चिड़ियाघर में चले जाते थे और जानवरों के बीच वक्त गुजारते थे। साबू को इस दुनिया से गए बरसों बीत चुके हैं। अब कभी कभार ही साबू को याद किया जाता है, लेकिन किस्सा टीवी साबू को याद करते हुए उन्हें पूरा सम्मान देता है और उन्हें दिल से सैल्यूट करता है। भारत के एक दूर दराज के जंगली इलाके से लंदन और फिर अमेरिका जाकर अपनी पहचान बनाने वाले साबू को किस्सा टीवी का नमन। जय हिंद।